इसलिए अभी मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी मैं और घोषणाएं करूंगा बजट में, पर जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं और वो टंकी खाली पड़ी रहती है, कोई ले ही नहीं रहा, क्योंकि 400 रुपए से 1040 रुपए तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं इस मौके पर घोषणा करूंगा ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे, उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला 1040 वाला है वो 500 रुपए में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर जिले के मालाखेड़ा में ये घोषणा उस वक्त की थी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में थी। सीएम गहलोत के इस घोषणा की तारीख है 19 दिसंबर 2022। अगले साल ही 2023 में 10 फरवरी को बजट पेश करते हुए सदन में भी सीएम गहलोत ने इस योजना को अमली जामा पहना दिया, यानी 500 रुपए के सिलेंडर मिलने वाली योजना विधानसभा में पास हो गई। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। सीएम गहलोत के इस दाव को चुनावी दाव माना जा रहा है, जिससे वो राजस्थान की जनता के सामने अपने रिपीट वाले सपने को साकार करने की उम्मीद लेकर जा सके। सीएम गहलोत ने ये ऐलान कर दिया कि अब कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस योजना को लेकर प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। पहले आपको कांग्रेस का वो ट्वीट दिखाते हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से सीएम गहलोत की तस्वीर वाले पोस्टर में लिखा है, कांग्रेस सरकार जन सरोकार, राजस्थान में 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म। अब ऊपर जो लिखा है वो भी पढ़ लीजिए, राजस्थान में जन सरोकार की भावना से लोगों की सेवा कर रही है कांग्रेस सरकार, राज्य में 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में मिल रहा है रसोई गैस सिलेंडर, सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म। यहाँ गौर करने वाली लाइन है कि राज्य में 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में मिल रहा है रसोई गैस सिलेंडर। आज तारीख है 20 मार्च। अब आपको वापस से सीएम गहलोत के 19 दिसंबर वाला बयान सुना देते हैं, जब गहलोत ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की थी। के बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला 1040 वाला है वो 500 रुपए में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। घोषणा 19 दिसंबर को, मुहर लगी 10 फरवरी को, लेकिन योजना के धरातल पर उतरने का वक्त है 1 अप्रैल के बाद, यानी उज्ज्वला योजना के धारकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस योजना का लाभ मिलने की संभावना 1 अप्रैल के बाद से है। मगर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने योजना के लाभ अभी से ही गिनवाने शुरू कर दिए हैं।